हाय, मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल, एई टीम कॉमर्स एकेडमी इंदौर से। कुछ ही समय पहले एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने सीएफए एक्सेस स्कॉलरशिप कैसे आप अवेल कर सकते हैं और उसको लेकर के जो ऐसे लिखा जाता है उसका एक ब्लूप्रिंट मैंने आपको दिया था। अब ये ब्लूप्रिंट काफ़ी लोगों ने देखा, इनफैक्ट 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंगली अपना ऐसे लिख करके रिव्यू कराया। और इस रिव्यू के बेसिस पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 5 कॉमन मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप सीएफए एक्सेस स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं डिस्कशन। वेलकम टू करियर ट्यूसडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। लिंक्डइन के ऊपर मेरे ऐसे का ब्लूप्रिंट का जो आर्टिकल है वो डालते से ही कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अप्रोच किया और ऐसे लिख करके मुझे दिए। इतने ऐसेज में डेली बेसिस पे 30, कभी 40, कभी 50 डेली बेसिस पे मैं रिव्यू कर रहा था और उन्हें फीडबैक दे रहा था कि कैसे वो अपना ऐसे जो है अच्छा कर सकते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर मुझे 5 कॉमन मिस्टेक्स दिखी जो हर स्टूडेंट जो है अपनी सीएफए एक्सेस स्कॉलरशिप के ऐसेज के लिए करते हैं। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद पॉइंट नंबर 1। मैंने देखा कि कुछ और वीडियोस भी YouTube पे अवेलेबल हैं जहां पर स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली अपना एक्सेस स्कॉलरशिप का ऐसे दे रखा है, जिसमें से स्टूडेंट्स अक्सर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और अपने ऐसेज के अंदर वर्ड टू वर्ड डाल लेते हैं। अगर आप एक्सेस स्कॉलरशिप बिल्कुल नहीं पाना चाहते ना तो ये बिल्कुल सही तरीका है, बट अगर पाना चाहते हैं तो किसी और के ऐसे को बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट ना करें, उनका भी एप्लीकेशन खतरे में पड़ेगा और आपका भी। पॉइंट नंबर 2, लॉन्ग ऐसेज। अब CFA स्कॉलरशिप के अंदर ना वर्ड लिमिट आ गई, वो चाहते हैं कम से कम वर्ड्स के अंदर आप अपनी बात जो है वो कह दें। और ये मैंने देखा है कि कई लोग इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसमें डालना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है जी मैंने सोसाइटी की भलाई के लिए ये किया है, मैंने इस NGO के साथ काम किया है, और कई सारी ऐसी जानकारी जो CFA स्कॉलरशिप कमिटी को बिल्कुल भी जानने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी ऐसे लिखें तो प्लीज़ माइंड दी वर्ड लिमिट, कम से कम शब्दों के अंदर प्रिसाइज तरीके से अपनी बात कहने की कोशिश करें। और यही मैक्सिमम ऐसे इसके अंदर मिसिंग था, वो सारी ही जानकारी अपने बारे में वहाँ पर डाल देना चाह रहे थे, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। अगर आप जानना चाहते हैं CFA जो स्कॉलरशिप है इसका कैसा ऐसे होना चाहिए, मैं कॉमेंट यहाँ पर पिन कर दूंगा जिसके अंदर मेरे लिंक्डइन के अंदर डाला गया ऐसे का ब्लूप्रिंट मैं लिंक कर दूंगा, आप जा करके देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज मिसिंग आउट ऑन क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। इस पॉइंट को डिस्कस करें इससे पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि और स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचे। वापस आते हैं अपने पॉइंट में। तो भी दिक्कत ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट ये 2 क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस आउट कर जाते हैं अपने ऐसे के अंदर, जहाँ मुझे उन्हें बोलना पड़ता है कि भैया ये इन्फॉर्मेशन बहुत क्रूशियल है CFA कमेटी के लिए। जब आप अपना ऐसे लिख रहे होते हैं तो आपको वहाँ पर अपनी फैमिली इनकम USD यानी कि US डॉलर्स के अंदर लिखना बेहद ज़रूरी है, बिकॉज वो उनके लिए एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। दूसरी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि उनको ये भी जानना होता है कि आप फाइनेंशियल अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए ऑलरेडी क्या ठोस कदम उठा चुके हैं। तो ज़्यादातर लोग बस ये मेंशन कर देते हैं कि उनका फाइनेंस में इंटरेस्ट क्यों है, बट ये बताना रह जाता है उनका कि अवेयरनेस वो कैसे स्प्रेड कर रहे हैं, ये भी आपको बताना बेहद ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4, इम्प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेज। अगेन यहाँ पर मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले ही आपको बता दूँ, ब्लूप्रिंट ऐसे का मैंने आपको दे रखा है, यानी कि पहले क्या मेंशन करना है, बाद में क्या मेंशन करना है और किन किन चीज़ों के बारे में आपको अपने ऐसे के अंदर बात करनी है। बट यहाँ पर बहुत क्रूशल है कि आपका जो स्ट्रक्चर है ना वो ठीक होना चाहिए। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो पहले ही लाइन में ये लिख देते हैं कि भैया हमको तो आप जो है स्कॉलरशिप दे दो, हमारे पास जो है फाइनेंशियल क्राइसिस है एंड यू शुड गिव अ स्कॉलरशिप, और इसी के ऊपर पूरा उनका ऐसे होता है और बिल्कुल आखिरी में लिखते हैं कि हाँ फाइनेंशियल के अंदर भी फाइनेंशियल फील्ड के अंदर भी हमको इंटरेस्ट है। तो आपको ऐसा नहीं करना, जब भी आप अपना यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से चलना है। आपको ये बताना है पहले कि भाई आप कौन हैं, आप कौन सा कोर्स कर चुके हैं, कैसे फाइनेंस के अंदर आपका इंटरेस्ट जो है वो जनरेट हुआ है, क्यों आप CFA करना चाहते हैं, उससे क्या अचीव करना चाहते हैं, एंड देन बिल्कुल आखिरी में जाकर के ये बातें आती हैं कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करें, ईजी टू रीड बनाएं। मैंने ये भी देखा है कि कई सारे स्टूडेंट्स जो ना एक पैराग्राफ में लिख देते हैं, है ना, तो पैराग्राफ्स अलग अलग एक पैराग्राफ में लिखने की बजाय एटलीस्ट अलग अलग पैराग्राफ्स में लिख दें, या फिर पैराग्राफ में क्या लिखा है उसके लिए एक हेडिंग भी लिख दें। वो भी मैंने देखा है कि काफ़ी अच्छा रीडेबल बनाता है एक ऐसे को।
और कई स्टूडेंट्स के जो मैंने सक्सेसफुल एसेज देखे हैं जिनसे उनको स्कॉलरशिप मिली है उनके अंदर कईयों के अंदर हेडिंग लिखी हुई थी, बट ये कंपलसरी नहीं है, रिकमेंडेड है। पॉइंट नंबर 5, थिसॉरस का अतः इस्तेमाल। भाई देखिए ऐसा है कि कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि CFA स्कॉलरशिप कमेटी के जो लोग हैं वो असल में इंग्लिश स्कॉलर्स हैं। ऐसा नहीं होता। कई सारे लोग CFA कमेटी को इम्प्रेस करने के लिए थिसॉरस लेकर के बैठते हैं और अपनी लिखी हुई लैंग्वेज के अंदर टफ टफ वर्ड्स और डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स डालने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको सिंपल टू रीड इंग्लिश वहाँ पर लिखनी है जिसे पढ़ने में सामने वाले को ना डिक्शनरी उठा करके ना देखना पड़े। बहुत ही सिंपल और शॉर्ट के अंदर आपको अपनी बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। और यही है मेरी आखिरी और 5वीं ऑब्जर्वेशन। आई होप इस वीडियो से आपको इंसाइट मिली होगी, थोड़ी मदद मिली होगी। आई होप इस वीडियो को देख करके आप जो चेंजेस अपने ऐसे के अंदर लेकर के आएंगे उससे आपको सच में स्कॉलरशिप मिल जाए। अभी के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।